नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। बीजेपी ने राजस्थान में जीत के झंडे गाड़ दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी के एक सीनियर नेता का हाल बुरा हो गया है। दरअसल आमेर विधानसभा सीट जयपुर से चुनाव लड़ रहे सतीश पूनिया इस बार चुनाव हार गए हैं। पिछली बार जनता ने उनको चुना था और पहली बार वे विधायक बने थे। पिछली बार जिन कांग्रेस प्रत्याशी से वे हारे थे, इस बार उसी प्रत्याशी ने पूनिया को हरा दिया। इस बार आमेर सीट से निर्दलीय और पार्टी के प्रत्याशियों को मिलाकर 15 प्रत्याशी मैदान में थे। इनमें कांग्रेस के प्रशांत शर्मा ने इस बार 189,014 वोट हासिल किए और बीजेपी के प्रत्याशी सतीश पूनिया को 99,822 वोट मिले। सतीश पूनिया यहां जीत के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। पिछले 6 महीनों में कई करोड़ रुपए का कार्य कराया था, लेकिन उसके बाद भी जनता ने उनको नकार दिया। आमेर से नोटा पर भी वोट देने से जनता नहीं चूकी। 1,106 वोटर ऐसे थे जिनको एक भी उम्मीदवार पसंद नहीं आया, उन्होंने नोटा को वोट किया। उल्लेखनीय है कि इस बार जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों पर 199 प्रत्याशी मैदान में थे। इनमें 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी भी अच्छे खासे वोट ले गए। हालांकि वे जीते नहीं, लेकिन मुख्य प्रत्याशियों के वोट काट गए। जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों की मतगणना कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज में शांतिपूर्ण तरीके से हुई। पुलिस का बेहतर इंतजाम रहा। मतगणना के दौरान दोनों कॉलेज में 2,000 पुलिसकर्मी तैनात रहे। इनमें पैरामिलिट्री फोर्स के भी जवान मौजूद थे। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज।